औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखर ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक पाकिस्तान, अहले शौक पंजाब और बिलमूम खित्ता पोठवार से तलक रखने वाले जितने भी अहले शौक हैं, दोस्तों इस्लामाबाद का एक बड़ा मशहूर इलाका जिना गार्डन और हुसैनाबाद, वहाँ से लाला जी बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मैं दस्त बदस्ता सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों मैं इस वक्त राजा बरादरान जिनका तलक इस इलाका हुसैनाबाद से है और इनका तलक उस्ताद फाजल जमाल पार्टी ऑफ दुबई वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में वो उस पार्टी के प्लेटफार्म से शौक कर रहे हैं, तो दोस्तों उस्ताद अहमद कमर ऑफ दुबई उन्हीं के शागिर्द मेरी दाईं तरफ आप देख रहे हैं, राजा सजाद अली और उनके भाई राजा अकील भाई, वो पहले हमारी महफिल में नहीं थे, अभी थोड़ी देर पहले वो हमारी महफिल में आए हैं। मैं राजा बरादरान का, इनके उस्ताद मोहतरम का और बिलखसूस उस्ताद फाजल जमाल पार्टी के जितने भी रुकन यहाँ मौजूद हैं, बैरूने ममालिक हैं, अंदरूने ममालिक हैं, तमाम का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। दोस्तों हालिया 2023 में इस छत से राजा सजाद साहब ने और राजा अकील ने अपने इन दोस्तों की मावनत के साथ और अपने उस उस्ताद की रहनुमाई में बड़ी शानदार इनिंग्स खेली, बहुत ही खूबसूरत इनिंग्स खेली। 7 रोज़ा, 5 रोज़ा, 3 रोज़ा जो टूर्नामेंट थे उन टूर्नामेंटों के ये चैम्पियन ठहरे। उसके बाद इनके कुवाम ने सामने के मामलात थे जिनमें से इन्होंने 39 घरों से मुकाबले भी जीते। इसी तरह अक्टूबर में इनके को प्यारों के मुकाबले थे वो भी इन्होंने विन किए। और टूर्नामेंटों की मैं अगर बात करूँ तो अलाहाबाद से इनके शागिर्द सूफियों वाली जो छत है, सूफी बरादरान वाली जो छत है, ये भी राजा बरादरी से इनका तल्लक है। इन्होंने उस्ताद जमाल फाजल पार्टी को मैं समझता हूँ कि ऐसी एक पोजीशन दिलाई रावलपिंडी इस्लामाबाद में कि आज इनके उस्ताद और पार्टी के हेड जो हैं वो दुबई में बैठे हुए हैं। उनकी खूबसूरत यादें हम यहाँ ताज़ा कर रहे हैं। तमाम दोस्तों के हाथ में आप दोस्तों देखे हैं कबूतर हैं और इन्हीं कबूतरों ने आलिया जेठ में इस छत को जो मकाम दिलाया है, तो मैं चाहूँगा कि आप उन कबूतरों का भी शौक करें, उन कबूतरों को देखें। और राजा सजाद भाई हमें 1, 2, 4 कबूतर उनके जो अच्छे उड़े हैं उनका वो तारफ भी करवाएं, कहाँ से आया है, किसका है, किसी दोस्त ने दिया है, पर इस कबूतर की कमाल क्या है, इसने क्या कारकर्दगी दिखाई है। तो मैं ताहिर भाई से ये गुजारिश करूँगा कि वो एक एक कबूतर का शौक करवाते हुए फिर इज्तमाही कबूतरों का दोस्तों को शौक करवाएँ। जी सजाद भाई, ये कबूतर ने पकड़ा है, क्या कर दी इसकी? अच्छा, 4 साल बाजियों में मुतवातर उड़ा है। ठीक, असू में भी उड़ा है जी, जेठ में भी। ठीक है, इसकी आंख का शौक है। पहले माशाल्लाह जी, पर का शौक है इसका, जस्ट स्टैंप लगी हुई इसको। ठीक हो गया जी। जी 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 शहजाद भाई, आप सर ये कबूतर चले उस्ताद जी के 5 नंबर टेडी, ये कौन सा कबूतर शहजाद भाई? 3 नंबर लाल आंख का कबूतर है जी। ठीक है माशाल्लाह, ये भी 3 साल उड़ा है जी मुतवातर, माशाल्लाह इस साल भी बड़ी परफॉर्मेंस रही है इसका। ठीक हो गया जी, शुक्रिया पार्क का। ठीक हो गया, सही हो गया जी। ठीक है, छोड़ देते हैं। ये कौन सा कबूतर है जी? 30 नंबर कबूतर है जी, ये भी मकर कबूतर है। ये भी उड़ा जेठ में? हाँ, इस साल जेठ में उड़ा जी।
ये एक मगर है जी। शाहजी पंजे देखे इन कबूतरों के, ये पंजे क्या खराब है इसके, क्या है ये? नहीं नहीं खराब नहीं है, देखे ना जी जामनू पंजे, माशाल्लाह जी सारे कबूतरों के पंजे देखे। ये 13 नंबर कबूतर है जी, माशाल्लाह इस साल भी बड़ा उड़ा है जी। ये भी मगर है जी जी। तो दीवार तेरे को पल्ला ऐसा नहीं फिर के ना, ठीक हो गया सही हो गया, छोड़ दूँ पूरा दिखाई ना रोता जी बड़ा अच्छा उड़ा है, 7/28, 7/50 इसकी परवाजें हैं दो जी, और भी परवाजों में माशाल्लाह शाम शाम उड़ा है। नहीं एक मिनट वहाँ छोड़ के बनानी है बस, ठीक हो गया चले और भी कराना शौक है बाकी अबराली। पांच नंबर टेटी कबूतर है जी, इसका तो तारा बताएं कहाँ के, ये टेढ़े कबूतर है जी उस्ताद अहमद कमर के कबूतरों में से। ठीक हो गया, इधर छोड़ दो, अंदर छोड़ दो, ये भी 5 नंबर कबूतर है, दीवार दे रखो थोड़ा जल्दी बोर बार हो जाए। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ये भी 5 नंबर कबूतर है, टेढ़ी कबूतर है, ठीक हो गया। ये कितने नंबर? 43 नंबर वादी, 4 साल हो रही है जी, माशाल्लाह ठीक हो गया। अल्लाह ठीक हो गया, फुल दिखाओ पहले, ये हसीना है जी उस्ताद अहमद कमर साहब के कबूतरों में से, सारे परवाजी कबूतर हैं जी। ठीक हो गया, छोड़ते जाइए
अच्छा ठीक है। 13 नंबर मादी है, साल उड़ी है तकरीबन 123 घंटे, पिछले साल उड़ी है 119 घंटे। ठीक हो मादियाँ नहीं छोड़नी यहाँ पे। ठीक हो चलो, ये मैं शौक दरवाजा खोलो ना, दरवाजा खोल देना होना जेड़े आए ना बंद करे बिछो। दरवाजा करो ज्यादा छोड़ देते हैं रश में। जी लाला जी आओ ना जी, इधर आओ, आओ जी। सजाद भाई तो दोस्तों, आपने राजा बरादरान का जो के उस्ताद अहमद कमर आप दुबई उनके वो शागिर्द हैं, उनके कबूतरों का आपने शौक किया कि आलिया जेठ में जिन कबूतरों ने परफॉर्म किया, तो दोस्तों आओ ना जी सारे आओ। तो इस खूबसूरत महफल से जरा मेरे नजदीक, मैं आपको पता है कि पिछले जुमे का ये जो जुमा गुजरा है, मैंने लाहौर से पिंडी के लिए अपना सफर शुरू किया। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है शेख हसनैन हैदर साहब, मियां शेख हसनैन हैदर रेनाला खुर्द उकाड़ा, उनके फार्म हाउस से उन्होंने एक गैदरिंग की, तो उसमें उन्होंने बड़ी खूबसूरत नज़म, वो पूरी नज़म मैंने उस दिन उसको दोबारा लिखा। उसके जो आखिरी दो शेर थे, आखिरी उसका एक शेर है, बड़ा कमाल का शेर है, वो इन दोस्तों की नज़र करते हुए फिर हम आपको राजा बरादरान की वो स्टाप दिखाएंगे, वो बुनियादें जिनसे इन्होंने आगे कबूतर डेवलप किए, मेरी मुराद ब्रीडर कबूतरों से। तो राजा साहब, इस महफिल की नज़र एक शेर करते हुए आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा कि जिंदगी में ना जाने कौन सी बात आखिरी होगी, जिंदगी में न जाने कौन सी बात आखिरी होगी, न जाने कौन सी रात आखिरी होगी, न जाने कौन सी रात आखिरी होगी, मिलते जुलते बातें करते रहा करो यारो, मिलते
जुड़ते बातें करते रहा करो यारो, पता नहीं कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। अपनी इन अल्फाज के साथ हुसैनाबाद जिना गार्डन इस्लामाबाद से राजा सजाद अली, राजा अकील भाई और इनके उस्ताद मोहतरम उस्ताद अहमद कमर और खसूसी तौर पर पार्टी हेड उस्ताद जमाल फाजल साहब का शुक्रिया अदा करते हुए, आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। पहले तो आपने वो पटे पटियाँ देखे हैं, अब इनके माँ बाप हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, अपनी दुआओं में भी याद रखना है। मैं इन तमाम दोस्तों का दिली तौर पर शुक्रिया अदा करते हुए कि आज मेरे लिए भी एक एजाज़ है कि मैं आपको एक अच्छे परफार्मर को दिखा रहा हूँ जिसकी अच्छी अचीवमेंट उसने अपने नाम की है। तो दोस्तों एक नाम राजा अकील भाई, ये जाहिर है डेरेदारी है, तमाम मामलात हैं, ये कुछ तो पहले हमारी महफिल में नहीं थे। मैं समझता हूँ कि राजा सजाद भाई ज़रूर इनकी रहनुमाई करते होंगे, मगर छत पे कोई एक आध कंपोनेंट उस कंपनी में एक ऐसा बंदा होता है जिसकी नज़र तमाम चीज़ों पे होती है, इंतज़ामी अमूर पे भी होती है। और ये भी उन गुमनाम सिपाहियों में है राजा साहब, इनका भी बड़ा अमल दखल है मेहनत में, इसको छत को आगे ले जाने में। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए आप दोस्तों के लिए चंद लम्हों के लिए हम इजाज़त चाहेंगे और मैं खसूसी तौर पर ताहिर शाह साहब का, सूफी बरादरान का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने आज मेरी रहनुमाई भी की, मेरी मुआवनत भी की, मेरी मदद भी की। अल्लाह पाक इन्हें अजर अज़ीम अता करें। अल्लाह हाफ़िज़।